जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं संचित सक्सेना। भाई आज ना टेम्परेचर है 10 डिग्री का और आज हम लोग ये देखने वाले हैं अपनी हुंडई ओरा सीएनजी के अंदर कि कोल्ड स्टार्ट की कंडीशन में कैसा परफॉर्म गाड़ी कर रही है। ये खड़ी हुई हमारी पार्किंग में ओरा कार, शेड के अंदर मैं पार्क करता हूँ, बाकी देखते हैं सामान रखा जाए पहले। तो भाई गाड़ी में बैठ चुके हैं फिलहाल, अब सेल्फ मारा जाए। ये हुई गाड़ी स्टार्ट, क्लच छोड़ दिया हमने। जब भी कोल्ड स्टार्ट करो ना, मतलब सीएनजी की कार के अंदर ना, थोड़ी देर के लिए इसको आप ऐसे छोड़ दो। अभी ये देखो बिल्कुल मतलब ठंड है यहाँ पे और सुबह सुबह मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ। फिलहाल पेट्रोल पे है अभी भी, तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई गाड़ी में ऐसा नहीं है इनिशियली वाइब्रेशन हो, हल्की फुल्की यार इसके स्टेयरिंग में आ रही है, वो मैंने बताया था दिक्कत है, इसका इशू चल रहा है अभी गाड़ी का। अब ये देखो सीएनजी पे स्विच हुई, सीएनजी पे स्विच होते ही आरपीएम कितना ऊपर आया, तो 1150-1150 के करीब आरपीएम आया था, अब ये डाउन हो गया। थोड़ी सी आवाज इंक्रीज हुई है सीएनजी पे आते ही, तो भाई मैं तो इसको पेट्रोल पे रखूंगा शुरू में। तो ये यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, इधर यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे इसको दबा दो, ये मैंने पेट्रोल पे स्विच कर लिया है। थोड़ी देर पेट्रोल पे चलाओ, कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा गाड़ी को ना यार। मतलब देखो अगर लॉन्ग टर्म आपको रखना है ना सीएनजी कार, क्योंकि भाई देखो चीज आपकी है, पैसा आपका है, तो गाड़ी को ना कोल्ड स्टार्ट से देखो। हालांकि ये अभी स्विच तो हो गई थी सीएनजी पे, लेकिन इसको ना मतलब 5-6 मिनट ना इसको पेट्रोल पे रहने दो यार, जरूरी होता है कार के लिए। तो चीज बढ़िया है यार, देखो आपकी चीज है, खुद से अगर ये गाड़ी अभी सीएनजी पे स्विच हुई है इसका मतलब टेम्परेचर उतना मेंटेन हो गया है जितना उसे सीएनजी पे चाहिए होता है। बट स्टिल यार थोड़ा सा इसकी अगर लाइफ आपको और अच्छी करनी है सीएनजी की, आगे गाड़ी का बुढ़ापा खराब नहीं करना चाहते हो, तो इसको ऐसा किया करो भाई, 5 मिनट ना कम से कम पेट्रोल पे आप गाड़ी को रख के गाड़ी को चलाओ। तो सीट बेल्ट लगा ले भाई, सबसे पहले सीट बेल्ट लगा ली, अब चलते हैं गाड़ी को लेके। मैं इसको चलाऊंगा गेट तक, उसके बाद में मैं इसको सीएनजी पे स्विच कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं फिलहाल, अपना मस्त मक्खन चलती है यार गाड़ी यार। ये है पता है मारुति और हुंडई के अंदर सीएनजी की अगर मैं बात करूँ ना, दोनों उसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है कि जो हुंडई की सीएनजी है, हुंडई की सीएनजी में आपको ना मतलब ये जो फिटेड है तो कंपनी फिटेड मानता हूँ इस बात को, लेकिन ना ये एक तरह से असेंबल्ड हो रही है। और मारुति की जो SCNG टेक्नोलॉजी है, SCNG की टेक्नोलॉजी में क्या है कि वो एक तो फैक्ट्री फिटेड CNG खुद बना रहे हैं, दूसरा गाड़ी के अंदर ना क्या है सोलेनाइड वॉल्व होती है पीछे लगी हुई। यहाँ हुंडई के अंदर ना कुछ नहीं है, बस एक वो वॉल्व है लगी हुई जिसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हो, ठीक, जब भी आपको जरूरत नहीं है। तो सोलेनाइड वॉल्व जो SCNG मारुति दे रहे हैं ना भाई, उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली ये रहता है कि जैसे ही कहीं पे सीएनजी गैस लीकेज होनी शुरू होगी गाड़ी में, मान लो अगर कभी हुई तो बाय डिफॉल्ट वो वॉल्व एक्टिव हो जाएगा और ऑन द स्पॉट उसे शट डाउन कर देगा। ये फीचर इस गाड़ी के अंदर नहीं है, हुंडई के पास में ऐसा ये सोलेनाइड वॉल्व वाला सिस्टम नहीं है जो पीछे हो, ठीक है, ये फर्क है। दूसरा आपको मैं एक बार ना किसी दिन एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आमने सामने खड़ा करके ना आपको इसका सिलेंडर का अपर का पार्ट दिखाऊंगा, इंजन का किस तरीके से इन्होंने सीएनजी को हुंडई के अंदर सेटअप किया हुआ है और मारुति में कैसे किया हुआ है। गाड़ी को ठीक है, अब काफ़ी अच्छा हो गया होगा टेम्परेचर, अब इसको मैं सीएनजी पे स्विच कर रहा हूँ फर्दर। तो हो गया भाई, सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। यहाँ पे अभी तो सही हुई, लेकिन अभी इस गाड़ी का एक्सट्रीम टेस्ट होने वाला है। हम लोग बहुत जल्दी क्या कहते हैं, मैं इस गाड़ी को लेके जाने वाला हूँ कहीं घूमने के लिए, बने रहना मेरे साथ में। मेरे चैनल पे नए हो तो भाई इसको सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइज़।